What's up guys, hope you are fine. Today we are going to study about the drug acting on the ANS part second. Part first मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, उसमें आपको कोलर्जेनिक ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया है और ANS के टाइप्स बताए हैं. ANS के टाइप्स में सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, ANS में फिर मतलब ANS के अंदर आपका CNS, PNS, फिर PNS और ANS के बारे में बताया, PNS के बारे में बताया, PNS के अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक में पैरासिंपैथेटिक बताया, पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताया मैंने आपको. माय नेम इज अनिल कुमार शर्मा, सो हेयर आई बिगिन. सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं, एंटीकोलर्जेनिक एजेंट होते क्या हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स की. एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ अ कोलर्जेनिक ड्रग. कोलर्जेनिक ड्रग्स के एक्शंस को जो ब्लॉक कर दे उसको बोलते हैं एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स होते हैं जिनकी मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता रखा है. एंटीकोलर्जेनिक एजेंट्स जो होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एंटी मस्कारेनिक, एक होता है एंटी निकोटेनिक. एंटी निकोटेनिक फर्दर डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. जो गैंग्लियोन के अंदर ब्लॉकर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं NN, निकोटेनिक N ब्लॉकर, N निकोटेनिक M ब्लॉकर. M फॉर द मस्कुलर, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर, M फॉर द मस्कुलर. ठीक है, फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एंटी मस्कारेनिक एजेंट. एंटी मस्कारेनिक एजेंट्स को हम एंटी कोलर्जेनिक एजेंट्स भी बोलते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एंटी मस्कारेनिक कौन कौन से ड्रग होते हैं? दीज ड्रग ब्लॉक्स द मस्कारेनिक रिसेप्टर मेडिएट एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन ऑन हार्ट. हार्ट के ऊपर या सीएनएस के ऊपर या स्मूथ मसल्स के ऊपर या फिर आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जो एसिटाइल कोलीन एक्शन दिखाता है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं एंटी मस्कारेनिक एजेंट्स. ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ लेते हैं. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एसिटाइल कोलीन जो हमारा एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट क्या होता है, जिसके पास एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों होती है. अब एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती क्या है? एफिनिटी होती है बाइंड एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग द एगोनिस्ट टू द रिसेप्टर. ठीक है, एफिनिटी होती है बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे दिखा सकता है वो एसिटाइल कोलिन, वो होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी. एगोनिस्ट होता है जिसके ऊपर जिसके पास दोनों इंट्रिंसिक एक्टिविटी एंड एफिनिटी दोनों होती है. और एंटागोनिस्ट इन एसिटाइल कोलिन का कौन सा होता है? एट्रोपीन. ठीक है, और स्कोपोलामीन. जिसका एंटागोनिस्ट होता है जिसके पास एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती. अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन मस्कारेनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा, अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा. ठीक है, बट जब एट्रोपीन या स्कोपोलामीन हम दे देंगे एंड एज ए एंटागोनिस्ट तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या कर देगा, रोक देगा. ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन. ठीक है, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मस्कारेनिक ड्रग. एंटी मस्कारेनिक ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या होती है? एंटी मस्कारेन सबसे पहले ही तो ये समझ लो कि एंटी मस्कारेनिक एजेंट कोई भी हो हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर अगर वो प्लांट ओरिजिन है तो उसके अंदर तीन क्लासिफिकेशन होती है. एक होता है नेचुरल ओरिजिन, एक होती है सेमी सिंथेटिक, देन होता है सिंथेटिक. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं नेचुरल. नेचुरल के अंदर हमारा आता है एट्रोपीन एंड हायोसिन. हायोसिन को हम स्कोपोलामीन भी बोल देते हैं. सेकेंड इसमें आता है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव. सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव के अंदर आता है होमोट्रोपीन, एक होता है एट्रोपीन मिथियोनाइट्रेट, उसके बाद आता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक होता है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, एक होता है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड. इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड जो ड्रग्स होते हैं वो यूज होते हैं अस्थमा के अंदर. थर्ड होता है सिंथेटिक कंपाउंड. सिंथेटिक कंपाउंड में आते हैं माइड्रियाटिक और साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकमाइड. जो माइड्रियाटिक्स ड्रग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें डायलेशन में.
ठीक है। उसके बाद होता है एंटी सिक्रेटरी। एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोटिक ड्रग कौन से होते हैं? एंटी सिक्रेटरी तो होता है जो किसी भी सिक्रीशन को रोक दे, वो एंटी सिक्रेटरी होता है। एंटी स्पास्मोटिक होता है जो स्पाजम को रोक दे। फर्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर क्वाटनरी कंपाउंड। क्वाटनरी कंपाउंड में सबसे पहला ड्रग है प्रोपेंथिलीन। प्रोपेंथिलीन, देन ऑक्सीफिनोनियम, जिस नेक्स्ट इज क्लिनिडियम, नेक्स्ट इज ग्लाइकोपायरोलेट। उसके बाद थर्ड है आता है टर्शरी अमीन्स। जो टर्शरी अमीन्स में आता है, जिसके अंदर आता है डाइसाइक्लोमाइन और पिप्रा पायरेन्जीपाइन, ठीक है। उसके बाद आता है सी पॉइंट, आता है एंटी स्पाजमोडिक। एंटी स्पाजमोडिक कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीब्यूटा ब्यूटानिन आता है और एक फ्लेवोक्सेट आता है, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट होता है एंटी पार्किंसियन। जो एंटी पार्किंसन डिजीज जो होती है वो सीएनएस के अंदर होती है, ठीक है। एस्टाइलकोलीन का अमाउंट जिसमें बढ़ जाता है, जिसमें हमारा ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं, वो होते हैं ट्राई हेक्सी फिनाइल डाइल, जिसको हम बोलते हैं बेंज हेक्सोल, और प्रोसाइक्लिडीन, और नेक्स्ट एक ड्रग आता है बाइपेरिडीन, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपीन। एट्रोपीन का कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या एक्शन दिखाएगा अगर वो एट्रोपीन हमारी बॉडी के अंदर अगर एडमिनिस्टर करा गया है, किसी भी रूट के थ्रू अगर हमने एडमिनिस्टर करा गया, चाहे वो आईवी हो, चाहे वो आईएम हो, चाहे वो ओरल हो, किसी भी रूट के थ्रू गया हो, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या दिखाएगा वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा एट्रोपीन जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो हमारा सिक्रीशंस को एक्सोक्राइन ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड सो उसकी उसके सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर पार्किंसन है तो वो पहले तो ट्रेमर्स को कंट्रोल करेगा और रिजिडिटी ऑफ पार्किंसन, जो पार्किंसन में रिजिडिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। सीएनएस का ये इफेक्ट होता है। उसके बाद सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या करता है, इनिशियली डोज जब हम देते हैं तो इसमें मतलब लो डोज पे क्या करता है, ये ब्रैडीकार्डिया कर देता है, ठीक है। अगर हम हाई डोज देंगे तो उसमें ट्रैकीकार्डिया कर देगा। टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया होता है लो बीपी, ठीक है, और टैकीकार्डिया होता है हाई बीपी, ठीक है। ये होता है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एक्शन कौन सा दिखाता है। उसके बाद एट्रोपीन आईज के अंदर क्या दिखाएगा? आईज के अंदर पैसिव माइड्रेसिस कर देगा, ठीक है। सेकेंड इज साइक्लोप्लेजिया कर देगा, मतलब एकोमोडेशन ऑफ आई कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स खत्म कर देगा। उसके बाद रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर क्या करेगा, ठीक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर करेगा रिलैक्सेस द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बट ड्राइज अप द सिक्रीशन, मतलब ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा और क्या करेगा, जो सिक्रीशंस हैं उनको क्या कर देगा, ड्राई कर देगा। अब बात आती है हमारी यूरिनरी ट्रैक के अंदर, बाय चांस एट्रोपीन पहुंच गया तो वो क्या करेगा, उधर एट्रोपीन यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो डेट्रोसियर मसल्स है ना उसकी टोन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। इंक्रीजेस द टोन ऑफ ट्राइगोन स्फिंक्टर, जो ट्राइगोन स्फिंक्टर होती है उनकी टोन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। अब बात आती है जीआईटी, जब हमारा ओरल रिटेंशन मतलब ओरली जब हम लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डिक्रीजेस द टोन, टोन को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द गट की मोटिलिटी डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो स्पाजम है गट के अंदर वो रुक जाएंगे। बट एक काम जरूर करेगा, वो स्फिंक्टर की टोन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम पढ़ते हैं सीएनएस का। सबसे पहला पॉइंट सीएनएस के अंदर बोल रहा है, इन द थेरेप्यूटिक डोज द एट्रोपीन हैज अ माइल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट। जब हम एट्रोपीन को थेरेप्यूटिक डोज मतलब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो दिखा सकता है उस डोज में अगर हम देंगे एट्रोपीन को, तो वो सीएनएस को माइल्ड स्टिमुलेंट मतलब थोड़ा सा ही स्टिमुलेट करेगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इट प्रोड्यूसेस द एंटी पार्किंसन इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द कोलर्जेनिक ओवर एक्टिविटी इन द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के अंदर जो कोलर्जेनिक ओवर एक्टिविटी हो रही है ना, उसको रिड्यूस करके एंटी पार्किंसन इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है।
ट्रेमर्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इट डिप्रेसेस द वेस्टिबुलर एक्साइटेशन एंड हैज अ एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी। ये क्या करता है कि जो ब्रेन के अंदर वेस्टिबुलर सेंटर होता है उसको क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, उसकी एक्साइटेशन को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी दिखाता है। एंटी मोशन सिकनेस क्या होता है, जब कोई भी पर्सन प्लेन एरिया से माउंटेन्स पे जाता है तो उसको क्या होता है, न्योजिया होने लग जाता है, वॉमिटिंग होता है, उसको बोलते हैं एंटी सिकनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको कम कर देगा एट्रोपिन वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को डिक्रीज करके। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, हाई डोज कॉजेज द कॉर्टिकल एक्साइटेशन, रेस्टलेसनेस, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कोमा। ये बोल रहा है अगर तुमने एट्रोपिन ज्यादा ओवरडोज कर दिया या थेरेप्यूटिक डोज से ज्यादा दे दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, एक्साइटेशन कर देगा, रेस्टलेसनेस करेगा, डिसओरिएंटेशन करेगा, हेलुसिनेशन करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा और कोमा में भी पहुंच सकता है, ठीक है। सीवीएस, अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पॉइंट बोल रहा है कि एट अ लो डोज एट्रोपिन कॉजेज अ इनिशियल ब्रैडीकार्डिया एंड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ प्री साइनेप्टिक मस्कारिनिक रिसेप्टर ऑटो रिसेप्टर ऑन वेगल नर्व एंडिंग। अगर तुम एट्रोपिन को लो डोज में दोगे तो सीवीएस पे क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले तो ब्रैडीकार्डिया करेगा, वो इनिशियली ब्रैडीकार्डिया करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो प्री साइनेप्टिक मस्कारिनिक ऑटो रिसेप्टर्स है वेगल नर्व एंडिंग पे, उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, मतलब बीपी कम हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, इन द थेरेप्यूटिक डोज, अगर तुमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के डोज में दे दिया तो वो क्या करेगा, टैकीकार्डिया कर देगा। टैकीकार्डिया होता है आपका बीपी जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। इज सीन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ M2 रिसेप्टर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करके टैकीकार्डिया कर देगा। M2 रिसेप्टर्स एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली किसमें पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इट इंप्रूव्स द एवी कंडक्शन, एवी कंडक्शन आर्टियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन मतलब बढ़ा देगा, कंडक्टिबिलिटी बढ़ा देगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, इट इन हाई डोजेस फ्लशिंग ऑफ फेसेस एंड हाइपोटेंशन इज सीन। हाई डोज में अगर तुमने एट्रोपिन को दिया तो फ्लशिंग, रेडनेस ऑफ द फेस, फ्लशिंग बोलते हैं रेडनेस ऑफ द फेस, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, हाई डोज में भी ब्रैडीकार्डिया होगा। और पढ़ लेते हैं ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट होगा एट्रोपिन का, अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो बॉडी के अंदर, तो ग्लैंड्स, जो वेरियस ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर, उन पे क्या इफेक्ट होगा एट्रोपिन का। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं, ऑल द सिक्रीशंस अंडर द कोलर्जेनिक इन्फ्लुएंस आर रिड्यूस टू ब्लॉकेज ऑफ M3 रिसेप्टर्स, दैट इज द स्वीट ग्लैंड्स, सलाइवरी, नेजल, थ्रोट, ब्रोंकियल, गैस्ट्रिक, लैक्रिमल। इन सारे ग्लैंड्स के अंदर जो भी सिक्रीशंस होगी वो सारी डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी सिक्रीशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलर्जेनिक ड्रग्स करते हैं। बट हम पढ़ रहे हैं एंटी, जो एट्रोपिन्स जो होता है वो एंटी कोलर्जेनिक, मतलब एंटी मस्कारिनिक ड्रग्स होते हैं, जो कि ब्लॉक कर देता है M3 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से इन सारी ग्लैंड्स में सिक्रीशंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, मिल्क एंड बाइल सिक्रीशंस आर नॉट अफेक्टेड। मिल्क और बाइल जो सिक्रीशन है वो इफेक्ट नहीं होती एट्रोपिन पे, जब हम एट्रोपिन एडमिनिस्टर करेंगे तो मिल्क और बाइल सिक्रीशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आई पे इफेक्ट देख लेते हैं हम, आई पे क्या इफेक्ट होगा जब हम एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले दो पॉइंट ये बताता है कि क्या क्या इफेक्ट है आई पे। एक होता है पैरालिसिस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले, ठीक है, जो कि होता है ब्लॉकेज ऑफ M3 रिसेप्टर से, और पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल लीडिंग टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन। मतलब एकोमोडेशन का मतलब होता है कि रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो, जो कि M3 रिसेप्टर की ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। अब पैरालिसिस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले की वजह से हो जाएगा पैसिव मैड्रेसिस,
और पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल लीडिंग टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन की वजह से साइक्लोप्लीजिया बोलते हैं। लॉस ऑफ एकोमोडेशन को ही साइक्लोप्लीजिया बोलते हैं, जिसमें लॉस ऑफ एकोमोडेशन होगा वो साइक्लोप्लीजिया होगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट होगा एट्रोपिन का जब हम एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करेंगे। सबसे पहले स्मूथ मसल्स जीआईटी के अंदर होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होगा जब हम एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करेंगे। तो एट्रोपिन डिक्रीजेस द टोन, डिक्रीजेस द मोर्टेलिटी ऑफ गट, बट इंक्रीजेस द स्पिंचर टोन एंड मे कॉज अ कॉन्स्टिपेशन। अब ये बोल रहा है कि जब एट्रोपिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जाएगा तो ये क्या करता है, टोन को तो डिक्रीज करता है, मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है, बट स्पिंचर जो होगा उसको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट रिलैक्सेस अ स्मूथ मसल ऑफ द गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर्स होते हैं उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, एट्रोपिन उसकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। सेकेंड है यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उस पर क्या इफेक्ट दिखाता है, एट्रोपिन रिलैक्सेस द डेट्रोसियर मसल्स ऑफ अ ब्लड ब्लैडर। जो एट्रोपिन होता है वो डेट्रोसियर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा, बट इंक्रीजेस द टोन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंचर। स्फिंचर और ट्राइगोन की जो टोन है उसको बढ़ा देगा, मे कॉज अ यूरिनरी रिटेंशन, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, स्पेशली इन एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल्स हैं, उनके अंदर ये केस देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसकी वजह से रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम होती है यूराइन मिक्यूरेशन में। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर स्मूथ मसल जो होती है उनपे क्या इफेक्ट दिखाता है, एट्रोपिन रिलैक्सेस अ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ब्रोंकाई के अंदर उनको भी रिलैक्स कर देता है ये। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द सिक्रीशन, सिक्रीशंस को रिड्यूस करता है, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कर देता है, रिजल्ट इन म्यूकस प्लग दैट मे ब्लॉक द एयरवेज। अब ये बोल रहा है कि सिक्रीशन रिड्यूस कर देगा और म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है उसको बढ़ा देगा, जिसकी वजह से म्यूकस जमा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हम पढ़ लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक एट्रोपिन का क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है कि जब जो बॉडी ड्रग के ऊपर क्या कर रही है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि एट्रोपिन एंड हायोसिन आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। जो एट्रोपिन और हायोसिन ब्रोटाइल ब्रोमाइड होता है वो अगर ओरली देंगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि अप्लाइड टू द आई दे फ्रीली पेनिट्रेट द कॉर्निया। कॉर्निया फर्स्ट लेयर ऑफ आई को बोलते हैं। जब हम एट्रोपिन या किसी भी एंटी मस्कारिनिक ड्रग को अगर हम डालेंगे तो वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगी कॉर्निया के थ्रू। थर्ड पॉइंट बोल रहा है पैसेज अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी इज समवॉट रिस्ट्रिक्टेड। जब हम एट्रोपिन को देंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है अबाउट 50% ऑफ एट्रोपिन इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। 50% जो एट्रोपिन होता है वो मेटाबोलाइज होता है लिवर के अंदर, रेस्ट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज, और बाकी जो 50% होता है वो एज इट इज यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज इट हैज अ टी हाफ ऑफ 3 to 4 hours। जो टी हाफ होता है उसका 3 से 4 घंटे होता है। टी हाफ का मतलब होता है दी 50% जो ड्रग का अमाउंट है वो ब्लड के अंदर पहुंच गया है, वो उसका है एट्रोपिन का है 3 से 4 घंटे। सिक्स पॉइंट इज एट्रोपिन इज मोर कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड। जो हायोसिन होता है वो ज्यादा अच्छी तरह मेटाबोलाइज होता है एंड हैज अ बेटर ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन, और ज्यादा अच्छी पेनिट्रेशन होती है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर एज कंपेयर टू एट्रोपिन। एट्रोपिन तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड ही होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, बट हायोसिन का जो होता है, हायोसिन जो होता है एक तो मेटाबोलाइज भी अच्छा होता है, ऊपर से
ब्लड ब्रेन बैरियर में पेनिट्रेट भी अच्छा। अब हम यूज पढ़ लेते हैं एट्रोपिन के, क्या 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 यूज हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है एंटी सिक्रेटरी यूज। एंटी सिक्रेटरी यूज के अंदर आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब एनेस्थीशिया देने से पहले कौन सी हम मेडिकेशन देते हैं उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जिसमें हम यूज करते हैं एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट। एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायरोलेट इज यूज्ड। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है दे आर यूज प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीशिया। एनेस्थीशिया देने से पहले, जनरल एनेस्थीशिया देने से पहले क्या देते हैं हम, एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट। ये हम यूज करते क्यों है, किस लिए करते हैं, क्योंकि ताकि हम वेगल ब्रैडीकार्डिया, जब जनरल एनेस्थीशिया दिया जाता है तो वेगल ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। वेगस वेगस जो नर्व होती है उसके अंदर जो बीपी होता है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है कम होता है एनेस्थीशिया देने के कारण। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट दे देते हैं पहले ही। दूसरा पॉइंट होता है कि टू प्रिवेंट दी लेरेंजियोस्पाज्म, जो लेरिंग्स होता है उसमें उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड है ऑप्थेल्मिक यूज, आंखों में क्या यूज होता है हमारा। सबसे पहले होता है एज अ मेड्रियाटिक एंड साइक्लोपेजिक। मैंने आपको बता रखा है मेड्रियाटिक और साइक्लोपेजिक। मेड्रियाटिक तो डायलेशन में, साइक्लोप्लेजिक इज दी लॉस ऑफ एकोमोडेशन। इसमें बता रखा है कि फॉर रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्शन टेस्टिंग एट्रोपिन एंड होमोट्रोपिन ग्लाइकोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड आर यूज्ड टॉपिकल। जो रिफ्रैक्शन टेस्टिंग होती है ना, मतलब आंखों के अंदर जो हम देखते हैं फंडस देखते हैं और रेटिना वगैरह उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं माइड्रेटिक्स यूज करते हैं या साइक्लोप्लेजिक यूज करते हैं, जो कि जिनमें एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें एट्रोपिन दे रखा है, होमोट्रोपिन दे रखा है, साइक्लोपेंटोलेट है, ट्रोपिकामाइड है, जो कि टॉपिकली यूज करते हैं हम सारे। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एक्शन ऑफ एट्रोपिन हैज लास्ट फॉर 7 to 10 days। एट्रोपिन का जो एक्शन होता है वो 7 से 10 days होता है। इन चिल्ड्रंस एट्रोपिन इज यूज बिकॉज ऑफ ग्रेटर एफिकेसी। ग्रेटर एफिकेसी होता है मतलब मैक्सिमम अपना इफेक्ट दिखाएगा विद अ मिनिमम डोज। मिनिमम डोज विद मैक्सिमम इफेक्ट को एफिकेसी बोलते हैं। चिल्ड्रंस में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एट्रोपिन का ग्रेटर एफिकेसी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं आपका साइलोरिया। साइलोरिया में क्या होता है, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स सच एज ग्लाइकोपायरोलेट आर यूज्ड टू डिक्रीज द एक्सेसिव सलाइवरी सिक्रीशंस, एग्जाम्पल इन अ हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड पार्किंसन। पार्किंसन के अंदर और हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवरी सिक्रीशंस होने लग जाता है, जिसको हम कम करने के लिए सिंथेटिक डेरिवेटिव यूज करते हैं, एंटी मस्कैरिनिक एजेंट जिसका नाम है ग्लाइकोपायरोलेट। नेक्स्ट पॉइंट है सीओपीडी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज और ब्रोंकियल अस्थमा में हम यूज करते हैं इपराट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि मोस्टली यूज होते हैं सीओपीडी में और ब्रोंकियल अस्थमा में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय मीटर्ड डोज इनहेलर एंड नेबुलाइजर। नेबुलाइजर के थ्रू हम यूज कर एडमिनिस्टर करते हैं और मीटर्ड डोज इनहेलर के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है दे प्रोड्यूसेस दी ब्रोंकियल डायलेशन विदाउट अफेक्टिंग द म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, हेंस प्रेफर्ड ओवर एट्रोपिन। जो एट्रोपिन क्या करता था हमारा, एट्रोपिन करता था कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कर देता था, बट जो ये है इपराट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड है वो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस नहीं करते और ब्रोंकियल डायलेशन भी अच्छा करते हैं। इसलिए एज कंपेयर टू एट्रोपिन, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड मोस्टली प्रेफर करे जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी में। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिनरी डिसऑर्डर्स में क्या यूज करते हैं। यूरिनरी डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं ऑक्सीब्यूटिनिन और फ्लेवोक्सेट, दो मेन ड्रग है जो कि यूज करते हैं। हैज अ मोर प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन अ ब्लैडर स्मूथ मसल्स, हैंस यूज टू रिलीव द स्पाज्म आफ्टर यूरोलॉजिक सर्जरी। यूरोलॉजिक सर्जरी के बाद स्पाज्म दर्द वर्द जो होता है उनको रिलीव करने के लिए ऑक्सीब्यूटिन एंड फ्लेवोक्सेट प्रोमिनेंट इफेक्ट दिखाता है अपना।
नेक्स्ट इज वेगोलाइटिक. वेगोलाइटिक में यूज करते हैं हम एट्रोपीन. एट्रोपीन इज यूज टू ट्रीट अ साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड पार्शियल हार्ट ब्लॉक ड्यू टू इंक्रीज वेगल एक्टिविटी. वेगल एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाता है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है. हार्ट ब्लॉक तो आपको पता है क्या होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है जिसमें स्लो हार्ट बीट होने लग जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं. सेकेंड, इट इंप्रूव्स, एट्रोपिन ऑल्सो इंप्रूव दी एवी कंडक्शन, आर्टरियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन भी हमारा इंप्रूव कर देता है बाय अ वेगोलाइटिक इफेक्ट. सेवेंथ पॉइंट पार्किंसन है. सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलर्जेनिक ड्रग सच एज अ बेंज हेक्सोल, बेंजोट्रोपीन, बाइपेरिडिन, प्रोसाइक्लिडीन आर प्रिफर्ड एजेंट्स फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन. ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ड्रग की वजह से जो पार्किंसन हुआ है उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीकोलर्जेनिक ड्रग, जिसमें एग्जाम्पल आते हैं बेंज हेक्सोल, बेंजोट्रोपीन, बाइपेरिडीन और प्रोसाइक्लिडीन. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी एट्रोपीन. एडवर्स इफेक्ट क्या होगा एट्रोपीन का. सबसे पहले होता है साइड इफेक्ट्स आर क्वाइट कॉमन विद द यूज ऑफ एट्रोपीन एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट. एट्रोपीन और उसके सब्स्टिट्यूएंट जब हम यूज करते हैं उसके साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमनली होते हैं. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, दे आर इनकन्वीनियंस बट आर रेयरली सीरियस. एट्रोपिन जब हम यूज करते हैं तो वो इनकन्वीनियंस प्रोड्यूस करता है बट सीरियस केस बहुत रेयरली यूज होएगा, रेयरली होगा. थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि बेलेडोना पॉइजनिंग मे अकर ड्यू टू ड्रग ओवरडोज एंड कंजप्शन ऑफ सीड्स ऑफ बेरीज ऑफ अ बेलेडोना एंड धतूरा. अब ये बोल रहा है कि जो बेलेडोना पॉइजनिंग होती है, एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले पॉइजनिंग होती है बेलेडोना पॉइजनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जब हम ओवरडोज किसी भी ड्रग का, जैसे कि एट्रोपिन या हाइओसाइड ब्यूटाइल ब्रोमाइड या कोई भी ऐसा एंटी मस्कारेनी ड्रग तुमने ओवरडोज कर दिया तो बेलेडोना पॉइजनिंग होगी. ठीक है, या फिर कंजप्शन ऑफ सीड्स ऑफ बेरीज या फिर बेलेडोना या धतूरा प्लांट की कंजप्शन तुमने कर दी ओवरडोज, तो उसकी वजह से बेलेडोना पॉइजनिंग होगी. इसमें क्या क्या इफेक्ट दिखाई देंगे आपको, ड्राई फ्लश एंड हॉट स्किन दिखाई देगी, ज्यादातर फेस के ऊपर और नेक के ऊपर दिखाई देता है और फीवर इसमें हो जाएगा आपको. और चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है, चिल्ड्रंस आर हाईली ससेप्टिबल. और ये जो भी इफेक्ट आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट जो भी आ रहा है वो मेनली होता है एक्सरेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से. जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट्रोपिन वगैरह जो ज्यादा दिखाई देने लग जाता है तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, ये इफेक्ट दिखाई देते हैं, ड्राई फ्लश एंड हॉट स्किन्स. उसके बाद जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर क्या होता है, ड्राई माउथ होने लग जाता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बाउल आपका डिफिकल्टी से निकलेगा. यूराइनरी ट्रैक के अंदर क्या होगा, डिफिकल्टी इन म्यूक्यूरेशन, यूराइन निकालने में डिफिकल्टी होगी और बाउल साउंड्स. आई के अंदर डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा, फोटोफोबिया हो जाएगा, लाइट से डर लगने जाएगा, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, पेल्पिटेशन, आंख फड़कने लग जाएगी. उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्साइटमेंट होने लग जाएगा, साइकोटिक बिहेवियर होने जाएगा, अटैक्सिया होने लग जाएगा, डेलिरियम, ड्रेडफुल हाई, डर लगने लग जाएगा. सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर हाइपोटेंशन होने लग जाएगी, वीक एंड रैपिड पल्सेस होने लग जाएगा, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है, विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वल्जन्स एंड कोमा भी हो सकता है इसमें. सीवियर पॉइजनिंग के अंदर अगर तुमने ज्यादा ओवरडोज लिया तभी कन्वल्जन्स होने लग जाएगा, दौरे पड़ेंगे या फिर कोई भी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है. नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एट्रोपिन. एट्रोपिन का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं इसको एट्रोपिन को, वो पढ़ लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि एट्रोपिनिक ड्रग्स आर एब्सोल्यूटली कॉन्ट्रडिक्टेड इन एन इंडिविजुअल विद अ नैरो इरिडो कॉर्नियल एंगल एंड मे प्रेसिपिटेट द एक्यूट कंजेस्टिव ग्लैकोमा.
एट्रोपिनिक ड्रग उन पेशेंट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते जिसके अंदर नैरो इरिडियो कॉर्नियर एंगल, आयरिस और कॉर्नियर के बीच में जो एंगल्स होते हैं, अगर वो कम है, अगर वो कम है तो फिर हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लैकोमा हो सकता है, इसलिए हम यूज नहीं करते। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा केयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।